दोस्तों यहाँ पे हमारे पास चार मोबाइल है। सबसे पहले रियलमी 5 प्रो, उसके बाद रियलमी एक्स, उसके बाद रेडमी नोट 8 प्रो, इसको कौन नहीं पहचानता। इसके बाद है सैमसंग गैलेक्सी M30s। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग इसका ना ही सिर्फ बैटरी ड्रेन कंपैरिजन टेस्ट करेंगे, बल्कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग करेंगे बैटरी चार्जिंग टेस्ट इन चारों ही फोन के बीच में। तो सबसे ज़्यादा बैटरी सैमसंग गैलेक्सी M30s में, उसके बाद रेडमी नोट 8 प्रो में 4500 mAh की बैटरी सैमसंग गैलेक्सी M30s के बाद, जिसके अंदर 6000 mAh की बैटरी, उसके बाद रियलमी एक्स और रियलमी 5 प्रो। ठीक है, तो दोस्तों जो टेस्ट सबसे पहले हम लोग इन चारों डिवाइस के बीच में करेंगे वो है बैटरी ड्रेन कंपैरिजन टेस्ट। एक चीज और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि हमारे चैनल पे चल रहा है Redmi Note 8 Pro का गिव अवे। तो अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट गो एंड पार्टिसिपेट। और हाँ, जिन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया है, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। तो चलिए दोस्तों, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय नोस्ट्रा गेमर्स ऐप, जो कि एक स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन गेमिंग ऐप है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, दिस ऐप इज पावर्ड बाय पेटीएम। इसमें आपको सिंपल क्वेश्चंस के जवाब आपको देने होते हैं, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, कौन सा प्लेयर कितने स्कोर करेगा। और साथ ही साथ आप इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, जैसे कि बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट एंड बहुत कुछ। और साथ ही साथ में आप दिन में 50 लाख तक की आप कमा सकते हैं। और अगर आपको इसमें पैसे जीतते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंदर अपने पेटीएम अकाउंट में या फिर अपने बैंक अकाउंट में भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस कमाल की ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके डाउनलोड करिए। और अगर आप लिंक से डाउनलोड करते हैं, देन यू विल बी गेटिंग 100 rupees बोनस। तो डू ट्राई दिस पर्टिकुलर ऐप दोस्तों। तो दोस्तों, बैटरी ड्रेन कंपैरिजन टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये चारों ही डिवाइस 100% फुली चार्ज है। ऊपर आप नाम पढ़ सकते हैं कौन सा डिवाइस है कौन सा। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग YouTube की वीडियोस 2 hours के लिए कंटिन्यूसली प्ले करेंगे और आपको दिखाएंगे कितनी बैटरी यहाँ पे ड्रेन होती है। चारों ही डिवाइस में आप कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रेक लेंगे 30 minutes बाद। तो दोस्तों, आफ्टर 30 minutes आप देख सकते हैं कितनी परसेंटेज बैटरी ड्रेन हुई है कौन से डिवाइस में। और नीचे की तरफ जो रेड कलर में आ रहा है दोस्तों, वो है mAh के टर्म्स में, मतलब कि कितने mAh बैटरी ड्रेन हुई है किस डिवाइस में। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा एफिशिएंट है बैटरी एफिशिएंसी में, ठीक है एटलीस्ट। इसके बाद दोस्तों, आफ्टर 1 hour यूट्यूब वीडियो प्लेबैक हम आपको दिखाते हैं कि बैटरी कितनी ड्रेन हो चुकी है। और mAh के टर्म्स में सबसे टॉप में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए Realme 5 Pro में सबसे ज़्यादा 807 mAh की बैटरी ड्रेन हुई है, उसके बाद Redmi Note 8 Pro, उसके बाद Realme XT और Samsung Galaxy M30s दोनों बराबरी हैं, ठीक है। साथ ही साथ में दोस्तों, आप इसमें परसेंटेज में भी बैटरी को देख सकते हैं और mAh टर्म्स में भी आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम जो नेक्स्ट ब्रेक लेंगे सीधे 2 hours के बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2 hours के बाद जो LCD स्क्रीन वाले फोन है वो सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन कर रहे हैं, Realme 5 Pro और Redmi Note 8 Pro, और उसके बाद Samsung Galaxy M30s और Realme XT। Realme XT तो बहुत ही कम बैटरी ड्रेन कर रहा है इन YouTube वीडियो प्लेबैक टेस्ट। इसके बाद हम लोग करेंगे वीडियो शूट टेस्ट अनटिल 30% बैटरी, ठीक है। तो वीडियो हमने यहां पे चला दी थी और लगातार कम से कम 3 hours 22 minutes चलने के बाद यहां पे 3 devices जो एक साथ ही यहां पे 30% पे आ गए। और आप यहां पे देख सकते हैं कि वो तीनों ही डिवाइस है हमारे Redmi Note 8 Pro, Realme XT और Realme 5 Pro। Samsung Galaxy M30s में अभी भी 51% बैटरी बची हुई थी। दोस्तों, एक चीज आप लोग से बताना चाहूंगा, जो आप रेड में सबसे ऊपर देख पा रहे हैं वो टोटल बैटरी ड्रेन्ड है इन mAh टर्म्स में, और केवल जो वीडियो टेस्ट में जो यहां पे बैटरी ड्रेन हुई है वो आप बीच में ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं वीडियो शूट बैटरी ड्रेन में। और यहां पे शॉकिंगली अगर आप देखेंगे तो गौर से, तो दोस्तों यहां पे सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन हुई है Realme XT में और उसके बाद Samsung Galaxy M30s में। तो भाई, वीडियो शूट में आपकी AMOLED स्क्रीन का कोई भी मतलब नहीं बनता है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ सबसे कम बैटरी ड्रेन किया हुआ है Realme 5 Pro में। तो काफी ज्यादा शॉकिंग था। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, अब हम लोग यहां पे PUBG प्ले करेंगे चारों ही डिवाइस में एक साथ, जब तक कि फोन डेड नहीं हो जाते। तो आपको बता दूं, यहां पे जो ग्राफिक्स और फ्रेम रेट हमने रखे हैं वो HDR और एक्सट्रीम फ्रेम रेट रखे हैं विद द हेल्प ऑफ GFX टूल। चारों ही डिवाइसेस में सेम फ्रेम रेट है, तो यहां पे एक्सेसिव बैटरी लॉस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक चीज और आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि मैंने हर एक चीज का सेपरेट बैटरी जो है परसेंटेज भी निकाला हुआ है। जैसे कि अगर आपने शुरुआत में YouTube वीडियो आपने प्ले किया था तो उसमें आपका कितना जो है बैटरी ड्रेन हुआ था, फिर उसके बाद हमने जब वीडियो शूट किया तो उसमें सेपरेटली जैसे मैंने आपको बताया था, वैसे ही हम PUBG में भी आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पे सबसे ज्यादा जो PUBG में स्पेशली बैटरी लॉस हुआ है वो दोस्तों हुआ है Redmi Note 8 Pro में, उसके बाद Realme 5 Pro, उसके बाद Realme XT और फिर Samsung Galaxy M30s। तो आप ये देख सकते हैं कि
एक्चुअल में पबजी या फिर किसी भी और एप्लीकेशन जैसे वीडियो शूट हो गया तो उसमें कितनी बैटरी ड्रेन हो रही है। तो चलिए अब हम पबजी को कंटिन्यू करते हैं जब तक कि कोई एक डिवाइस बंद नहीं हो जाता। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैटरी चार्जिंग टेस्ट भी है तो वो मिस मत करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे रियलमी 5 प्रो यहाँ पे बंद हो चुका है, टाइमिंग थी 6 आवर 40 मिनट्स तक लगातार ये चला, उसके बाद ये बंद हो गया। इसके बाद दोस्तों देखते हैं इसके बाद कौन सा डिवाइस बंद होता है। तो रियलमी एक्स और रेडमी नोट 8 प्रो दोनों में 1% बैटरी बची है। तो आप अब ये समझ सकते हैं कि आखिरकार रेडमी नोट 8 प्रो में इन्होंने 4500 mAh की बैटरी क्यों दी थी, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर जो है बेसिकली ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता ही करता है। तो ये भाई इस पर्टिकुलर टेस्ट से कंफर्म होता है। इसके बाद रियलमी XT 6 आवर 50 मिनट्स में बंद हो गया। लेट्स सी कि रेडमी नोट 8 प्रो यहाँ पे कब तक की चलता है। तो भाई रेडमी नोट 8 प्रो 6 आवर 50 मिनट्स कुछ एक्स्ट्रा सेकेंड्स ले लिए रियलमी XT से, पर टाइमिंग लमसम में वही थी। उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी M30s दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि कितने मिनट और चलता है। तो यहाँ पे देखिए अप्रॉक्सीमेटली 8 घंटे 42 मिनट से लगातार टेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, थक चुका हूँ, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी M30s 8 घंटे 57 मिनट पर जाकर के थका है और अब जाके ये बंद हुआ है। इसके जस्ट बाद दोस्तों अब डायरेक्टली हम आ जाते हैं बैटरी चार्जिंग टेस्ट की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो भाई यहाँ पे देख लीजिए चारों ही डिवाइसेज हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए सैमसंग में सबसे कम 15 वॉट का चार्जर है और बैटरी सबसे ज़्यादा 6000 mAh की, और इसके बाद आप देखेंगे तो रियलमी के दोनों स्मार्टफोन में 20 वॉट का चार्जर है और 4000 mAh की बैटरी अप्रॉक्सीमेटली, और रेडमी में 18 वॉट का चार्जर विद 4500 mAh की बैटरी। इसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं यहाँ पे टेस्ट की तरफ दोस्तों। तो फिर हमने यहाँ पे टाइमर को कर दिया है ऑन और यहाँ पे बटन भी कर दिए ऑन, तो आप देख लीजिए ये चार्ज होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहां पे मोस्टली कंपनी क्लेम करती है कि भाई 10 मिनट्स में इनके फोन इतने परसेंट चार्ज हो जाते हैं, तो लेट्स फाइंड दिस आउट आफ्टर 10 मिनट्स। यहां पे हम एक ब्रेक लेंगे और हम देखेंगे कि यहां पे चारों ही फोन में कितना यहां पे चार्ज हुआ है। तो देखिए यहां पे 10 मिनट्स होने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं रियलमी XT सबसे ज्यादा 17% चार्ज के साथ में सबसे नंबर 1 पे है, उसके बाद रियलमी 5 प्रो, उसके बाद रेडमी नोट 8 प्रो और उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी M30s। तो भाई ये अपने चार्जिंग वॉट के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहां पे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि क्या 30 मिनट्स में रियलमी XT और रियलमी 5 प्रो दोनों ही चार्ज हो पाते हैं यहां पे 50% तक, जो कि ये लोग क्लेम भी करते हैं। तो अभी तो हम 20 मिनट्स पे हैं, इसके बाद देखते हैं जस्ट 10 मिनट्स बाद यहां पे क्या रिजल्ट रहता है। तो आप देख सकते हैं यस भाई रियलमी XT 51%, रियलमी 5 प्रो 47% और रेडमी नोट 8 प्रो 34% और सैमसंग गैलेक्सी M30s 18% पे है। तो भाई ये हाफ एन आवर के बाद था रिजल्ट, उसके बाद 1 आवर के बाद आपको दिखा दे। तो देख लीजिए यहां पे रियलमी XT भाई लमसम में होने वाला है 94% हो चुके हैं और रियलमी 5 प्रो 91% और रेडमी नोट 8 प्रो 67% और सैमसंग गैलेक्सी M30s केवल 37% पे। तो भाई सैमसंग गैलेक्सी M30s बहुत ही धीरे चार्ज हो रहा है, मानते हैं बैटरी भाई ज्यादा चलती है लेकिन इतना भी धीरे चार्ज नहीं होना चाहिए कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाएं। लेकिन फिर भी लेट्स सी, यहां पे देखिए रियलमी XT ने 1 आवर 15 मिनट्स में फोन को फुली चार्ज कर दिया जो कि बहुत ही बढ़िया बात थी, और यहां पे देखते हैं रियलमी 5 प्रो जो कि सेम चार्जर के साथ में आता है 35 mAh एक्स्ट्रा बैटरी है, अभी तक चार्ज नहीं हुआ है, देखते कितने मिनट लेता है, और ये 1 आवर 18 मिनट में फुल चार्ज हो चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि 1 आवर 15 मिनट्स में आपके या 1 आवर 18 मिनट्स में आपके डिवाइस फुली चार्ज हो जाते हैं। देखते हैं दोस्तों 4500 mAh की बैटरी के साथ में रेडमी नोट 8 प्रो कितने मिनट में फुल चार्ज होता है। तो लमसम में 2 आवर्स 2 मिनट में 99% हो चुका है, और लेट्स सी यहाँ पे कितना मिनट लेता है ये फुल चार्ज होने में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 आवर्स 5 मिनट्स में रेडमी नोट 8 प्रो भी फुल चार्ज हो चुका है, और सैमसंग गैलेक्सी M30s ने 2 आवर 48 मिनट लिए जो कि बहुत ज़्यादा है दोस्तों, कम से कम 3 आवर हो चुके हैं और अब जाके ये फोन चार्ज हुआ। तो दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली मुझे 15 घंटे लगे इस वीडियो को शूट करने में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो भाई इस वीडियो को दे दीजिएगा एक लाइक, और साथ ही साथ में Redmi Note 8 Pro का गिव अवे चल रहा है हमारे चैनल पे, जल्दी से जाके पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, यू कैन विन दैट। तो दोस्तों डेट वॉज ऑल फ्रॉम द गीकी मॉन्क, थैंक यू।